subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. विजय चौगुले यांच्या माध्यमातून झोपडपट्टी मेळाव्याचे आयोजन. विजय चौगुले यांच्या पुढाकाराने झोपडपट्टी विभागाचा होणार विकास. माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले हे गेल्या 2 वर्षांपासून झोपडपट्टी धारकांचा मुद्दा मांडत आहे आणि आजही त्यांनी या मुद्द्याचा पाठपुरावा सोडलेला नाही. जास्तीत जास्त झोपडपट्ट्या ह्या MIDC च्या अंतर्गत आहेत, तर काही घरे गरजेपोटी बांधलेली आहेत. ती सर्व घरे सिडकोच्या अंतर्गत आहेत, त्यामुळे या दोन्ही भागांचा विकास झाला पाहिजे हे उद्देश्य डोळ्यासमोर ठेवून रविवार 12 जूनला ऐरोली दिघा रबाळे झोपडपट्टी मेळाव्याचे आयोजन सुनील चौगुले स्पोर्ट्स क्लबचे मैदान सेक्टर 19 इरो शाळेच्या समोर ऐरोली नवी मुंबई येथे करण्यात आले आहे. या झोपडपट्टी मेळाव्याला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार राजन विचारे, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, महाराष्ट्र राज्य उद्योग मंत्री सुभाष देसाई या सर्वांना आमंत्रित केले असून झोपडपट्टी भागाचा विकास झाला पाहिजे हा विचार करून माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांच्या माध्यमातून या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यामधून झोपडपट्टीच्या विकासाबाबत सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी व्यक्त करत या झोपडपट्टी मेळाव्याबाबत अधिक माहिती दिली. झोपडपट्टी का मेळावा हमने लगाया हुआ है. देखो, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने जो मुद्दा उठाया था SRA के बारे में, 2 साल तो हमने कोविड में चले गए, उसके बाद में हमने फॉलोअप हमारा फॉलोअप छोड़ा नहीं. इसलिए हमने इस बार हमने खुद MIDC में अभी ज़्यादा से ज़्यादा झोपड़पट्टी अपना MIDC के अंदर है और गरजेपोटी सिटी के अंदर गरजेपोटी बांध ले घर. ऐसे घर जो बाहर के लोगों ने बांधे हुए घर है वो सब सिडको के अंदर है. तो इसलिए ये दोनों का विकास किस ढंग से कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमने खुद हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब को बताया, फिर बाद में MIDC के मिनिस्टर सुभाष देसाई साहब को बोला. इसलिए दोनों ने आने का तय किया है. खासदार साहब ने इसके लिए लीडिंग लिया हुआ है और नाटा साहब है, हम सब जने हम लोगों ने लीडिंग लेके ये मसला किसी भी हालत में इसका हल करने का ऐसा हमने तय किया है. क्योंकि अब ये जैसे जैसे आज इसके पीछे फॉलोअप नहीं रखेंगे और जल्दी इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे तो झोपड़पट्टी और भी बढ़ती जाएगी और सुविधा भी बढ़ते जाएगी. फिर ये पूरा लोड आने वाला है वो महानगर पालिका पे लोड आने. अभी मेरे हिसाब से थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एकनाथ शिंदे साहब ने जो वागलेश्वर में MIDC की झोपड़पट्टी उसके लिए सिडको को प्लानिंग अथॉरिटी करके वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने का उन्होंने तय किया. वैसे हमारे पे कहना है कि यहाँ पे भी सिडको या MIDC प्राधिकरण के माध्यम से ये झोपड़पट्टी डेवलप होना चाहिए और ये ऐसे होने बगैर झोपड़पट्टी डेवलप होने वाली नहीं है. और इसलिए हमने तय किया है कि भाई उस दिन दोनों मिनिस्टर साहब को हमने बुलाया, खासदार साहब है, नाटा साहब है, हम लोग हमारे सभी हमारे दीघा ऐरोली राबाड़ा के झोपड़पट्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और उनके सामने और कुछ सिटी में के कार्यकर्ता लोग हैं जो स्लम से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों को सबको हमने बुलाया और उस दिन कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ओपिनियन निकलेगा ऐसे हमको आशा है. विजय चौगुलेंच्या माध्यमातून झोपडपट्टीचा विकास होणार हे निश्चितच. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदेश रेनोसे सह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई. सबस्क्राइब टू आवाज टुडे. क्लिक ऑन द बेल आयकॉन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज.